बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूँ ये जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए भी और आपका सबसे इम्पोर्टेंट है एसएसटी के जो पेपर देना चाहते हैं सीनियर स्कूल टीचर के, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उर्दू का पोर्शन ये हमेशा टिपिकल आता है और ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होता है, चूँकि 20 मार्क्स का पेपर होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं, और अगर ये 20 मार्क्स आपके हाथ से चले गए तो आप केपेबल नहीं होंगे कि आपके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो इजी भी है, लेकिन अगर आपकी ग्रिप है तो तब इजी है, अगर नहीं है तो आप इसको ग्रैब नहीं कर सकते और आपके मार्क्स डाउन चले जाते हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन लाया हूँ इसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए या एसएसटी के लिए, जो है उर्दू का पोर्शन, और इसमें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट और एसएसटी टेस्ट के लिए मजीद वीडियोस मिलते रहें, जो कि मैंने अपने चैनल पे मजीद वीडियोस अपलोड करनी है और इसे पहले भी की हुई है। तो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर 1, आनंदी किस अफसाना नगार का अफसाना है? ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। अलिफ है अल्लामा इकबाल, बे सर सैयद अहमद, जीम गुलाम अब्बास और दाल है गालिब। तो जीम है गुलाम अब्बास का। नंबर 2, मिर्जा गालिब बंद रोड पर किसने लिखा? ख्वाजा मोइनुद्दीन, दिलावरकार, इम्तियाज मुमताज, सादी, शेख सादी। तो ये अलिफ है ख्वाजा मोइनुद्दीन। क्वेश्चन 3, हयात जावेद को खालिद ने कितने हिस्सों में तकसीम किया? 3, 4, 2 या 1? 2 हिस्सों में तकसीम किया था, जीम ऑप्शन 3 है जी। नेक्स्ट है इंतजार हुसैन का चौथा अफसानवी मजमुआ शेर अफसोस कब मंजर आम पर आया? तो शहर अफसोस कब मंजर आम पर आया? ये 1972 को, अलिफ। ठीक है, नेक्स्ट है उर्दू को दक्कन में क्या कहा जाता है? अरयानी, दक्कनी, दरेनी, मनगनी। तो ये दक्कनी कहा जाता है, बे ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 6 है किस शायर को गमो आलम का शायर कहते हैं? तो मीर हसन को कहते हैं, हसन मोहानी को कहते हैं, मीर तकी मीर को या गालिब को? तो ये है मीर तकी मीर को। नेक्स्ट, अल्लामा इकबाल की नज़म फातिमा बिनत अब्दुल्ला किस मजमुआ कलाम से ली गई? तो बांगे दरा, तो बांगे दरा से ही ली गई थी, अलफ ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट है नावल की जबान का लफ्ज़ है यूनानी, संस्कृत, अतालवी उर्दू। तो यह अतालवी जबान का है, जीम ऑप्शन ठीक है। नंबर 9, मोमन हन मोमन किस दाबस्तान के शायर हैं? आगरा, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। तो दिल्ली के, जीम ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 10 है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज कब हुआ? 1936, 1937, 1938, 1939। तो अलिफ ठीक है जी, 1936। 11, कोल दोहद तक इंजाम और कानून किस मशहूर अफसाना नगार के अफसाने हैं? इब्राहिम शाह, सादत हुसैन मिंटो, प्रेमचंद, मीर तकी मीर। तो बे ठीक है जी, सादत हुसैन मिंटो। 12, गालिब ने कितने वर्ष की उम्र में शायरी शुरू की? 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल। तो 11 साल की उम्र में, अले। 13 है बाग बहार किसकी तसनीफ है? मीर तकी मीर की, मीर हसन की, मीर अमन देलवी की, मीर जादा की। तो मीर अमन देलवी की है, जीम ठीक है। 14 है अकबर शाह सानी की तरफ से हकानी हिंद का मशहूर खिताब किसे अता किया गया? हजरत मोहानी, इब्राहिम जोहोक, गालिब या सादी? इब्राहिम जोक को, बे ठीक है। 15 है अफसाना कफन किसने तहरीर किया? मुंशी महबूब ने, इम्तियाज अली ताज ने, मिर्जा बेग ने, मुंशी प्रेमचंद ने। तो दाल ठीक है जी, मुंशी प्रेमचंद ने। 16 है जदीद गजल का इमाम किसको कहते हैं? हजरत मोहानी, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, इमाम नदीम कासमी। तो हजरत मोहानी, अलिफ ठीक है। 17 है यादों की दुनिया, ठीक है, यादों की बारात भी होता है, तो एक ये यहाँ पे यादों की दुनिया। तो यादों की बारात किसने लिखा था? जोश मिलियाबादी ने लिखा था। तो इस पे ये है, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो यादों की दुनिया किसी तरह है? जोश मिलियाबादी, यूसुफ हुसैन खान, पितरस शाह, अशरफ सबोही। तो ये जो यादों की दुनिया है ये यूसुफ हुसैन खान ने लिखा है, बे ठीक है। लेकिन अगर यादों की बहरात होता तो वो जोश मिलियाबादी। 18 है खूब रो किसकी तहरीर है? जुगिंदर पाल, बे है प्रेमचंद, शीम जुगिंदर नाथ मेंडल, दाल है मिर्जा दाग देलवी। तो अलिफ ठीक है, जुगिंदर पाल। 19 है मीनारे मीना बाजार किसने लिखा? अलिफ है कृष्ण चंद्र, बे है अल्ताफ हुसैन खाली, जीम है सर सैयद अहमद खान और दाल है फराग गोरपुरी। तो अलिफ है कृष्ण चंद्र। और लास्ट है लिसानुल असर किसको कहते हैं? आ हजर कश्मीरी को, अकबर आला आबादी को, अनीस नागी को, चिराग हसन हजरत को।
तो ये कहते हैं अकबर अलाहाबादी को बेटी है। तो अगर आपको चाहिए मज़ीद उर्दू के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस पेपर्स में आते रहे हैं और जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ज़्यादा मार्क्स लेते रहें, तो प्लीज़ आप कमेंट करें तो मज़ीद मैं आपको क्वेश्चन आपके लिए करूँगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ मिलते रहें। शुक्रिया।